हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो सालों से जनता है परेशान, विद्युत विभाग है मौन, कम वोल्टेज आने से लोग है परेशान। ग्राम पंचायत नागानी में वार्ड नंबर 9 में लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। कम से कम दो सालों से लोग अनादरा रेवतर विद्युत विभाग ऑफिस के ऊपर चक्कर काट काट के थक गए, मगर विद्युत विभाग कान खोलते नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण अमनाराम निवासी ने बताया है कि हमारे वार्ड में दो साल से विद्युत वोल्टेज की समस्या है। वोल्टेज इतना कम है, फैन बल्ब मोटर सही से उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वोल्टेज 70 या 80 वोल्टेज ही आता है, मगर ये समस्या दो सालों से है। गर्मी के दिनों में लोग परेशान होते हैं, मगर अधिकारी अपने ऑफिसों में आराम फरमाते हैं और जनता यहाँ पर गर्मी से मरती जाती है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, बस सिर्फ आश्वासन देकर जिंदा रखते हैं। उच्च अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। हमारे यहाँ इतना कम वोल्टेज से दो सालों से हम समस्याएं हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और लाइट बिल भी पूरा का पूरा आता है और हम टाइम पर बिल भी भरते हैं, मगर हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? अगर हमारी समस्या जल्दी से जल्दी समाधान नहीं हुआ तो हम बिजली बिल का बहिष्कार करेंगे और बिल नहीं भरेंगे। ये समस्या आज की नहीं है, दो साल से है, मगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे कि आप जनता का साथ देकर रबारीवास, मेघवालवास, नातों का वास, भीलवास और नागानी पंचायत का सबसे बड़ा वार्ड होने के नाते समस्या भी बड़ी है। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। इस मौके पर वार्ड पंच गहेरी देवी परमार, इंद्र सिंह परमार, किशोर सिंह परमार, विर्मा राम देवासी, लखा राम देवासी, पर्वत सिंह और सैकड़ों महिला लोग मौजूद थे। क्या समस्या है? लाइट की सुविधा हमारे पास लाइट नहीं आती, लाइट वोल्टेज बिल्कुल कम आता है। लाइट वोल्टेज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे ये पूरे मोहल्ले के आधा गांव है, तो इसमें ये जो 9 नंबर वार्ड पड़ता है, 9 नंबर के और मेघवाल वास है, नाथ वास है, रेबारी वास है, राजपूत वास है, यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं तो पानी आ रहा, और जंगल में भी पानी नहीं, गाय है तो गाय भी पानी पिलाने के लिए बिल्कुल तरस रही है। उधर उधर गायों के लिए पानी के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है, पानी होते हुए भी पानी बाहर नहीं निकाल सकते हम वोल्टेज की वजह से। कितने हमारे पंखे जल चुके, कितने हमारे वोल्टेज की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।